वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई एक नए व्लॉग के साथ। और आज है संडे, छुट्टी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग सा डे है। और आज हम लोग मॉर्निंग में ही शॉपिंग करने जाने वाले थे बट स्नो हो गई है सो हम लोग नहीं जा पाए। अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है सो नाउ वी आर गोइंग। और मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगी शॉपिंग का रीजन कि हम लोग शॉपिंग पे क्यों जाने वाले हैं। इस व्लॉग को एंड तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो ये देखिए बाहर अभी जस्ट 1 आवर हुआ है स्नो बंद हुए, अदरवाइज बहुत जोर जोर से स्नो हो रहा था और ये पैटियो में भी काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें थोड़ा सा डिले भी हो गया है जाने में। बट इट्स ओके, चलता है, कभी कभी संडे का दिन है, शाम तक भी चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं रीजन बताऊंगी कि हम लोग क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ इस व्लॉग में बताऊंगी, तो इस व्लॉग को एंड तक देखें। एंड गाइज, मुझे ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। मैं ना रिसेंटली कुछ शॉपिंग की थी मैंने ऑनलाइन, सो उसका एक पैकेज अभी आ गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खुद ये एक जैकेट है जो मैंने मंगाया है, देखिए इसका कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के जो पॉपिंग से कलर होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ये बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा ये वाला न्यू कलेक्शन ऑफ जैकेट कैसा लग रहा है। एंड बाकी के जो भी जैकेट्स वगैरह आएंगे ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग तक तो नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये व्लॉग आज का है और आज तो नहीं आएंगे, सो जब भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी चलते हैं हम लोग शॉपिंग पे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अभी जस्ट हम लोगों ने लंच वगैरह किया है एंड बच्चों को मेरे हस्बैंड आज स्विमिंग करने ले गए थे। बच्चों के लिए ना कुछ कुछ एक्टिविटी हर दिन रहती है सो संडे को हम उन्हें ट्राई करते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में ले जाएं, या तो मॉल ले जाते हैं खेलने के लिए या फिर जंपिंग वगैरह वाली जगह होती ना वहां ले जाते हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि बच्चों को बिजी रखने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, हर टाइम सेम चीजें तो नहीं अच्छी लगती, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। सो आज था उनका स्विमिंग का, सो हमने स्विमिंग करा दी है और स्नो तो हो ही रही थी इसलिए हम शॉपिंग पे भी नहीं जा पाए, तो अभी चलते हैं शॉपिंग पे। एंड हाँ, एंड में मैं बताऊंगी कि ये शॉपिंग मैं क्यों कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरा संक्रांति वाला व्लॉग देखा होगा, और अगर नहीं देखा है ना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जाइए और देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को उस पूरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा। सो मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। एंड अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते। एंड ये देखिए मैंने ये वाला जैकेट पहन भी लिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना इसके लिए, ये वॉर्म भी है, मुझे वॉर्म भी लग रहा है, सो इट्स वर्थ आई थिंक। और ये देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो रखी है हर जगह, कार पे भी इतनी स्नो है, इसको भी हटाना पड़ेगा, मैं बाद में हटाऊंगी। एंड यहाँ पे काम भी चल रहे हैं, जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया ना स्नो होती है तो सारे काम थोड़े थोड़े डिले हो जाते हैं, और आज आफ्टरनून में ट्रैश ट्रक आया है, मॉर्निंग में नहीं आया था। एंड रोड पे से तो स्नो हटा ही देते हैं यहाँ पे। शानवी, व्हाट आर यू ईटिंग? हनी स्पून। एंड गाइज, मुझे ना इस बार एक नई चीज मिली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शानवी, शो मी वन टाइम। ये देखिए हनी स्पून। एंड बच्चे वगैरह हनी नहीं खाते ना विंटर में, कितना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सो मुझे इस बार मिल गए हनी स्पून, मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, अच्छे लगेंगे। शानवी को बहुत अच्छे लगे बट समर को उतने अच्छे नहीं लगे, वो वेस्ट कर देता है इसलिए मैं उसे नहीं देती हूँ। बट शानवी के लिए अच्छा है, शी लाइक्स इट, उसका लॉलीपॉप भी हो जाता है। एंड हनी तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता ही है, अगर आप लोग ने नहीं ट्राई किया है सो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बच्चों के लिए क्विक स्नैक। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं आउटलेट मॉल, और ये आउटलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स एक पास में ही हैं। अगर आप लोगों को बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे डील्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं और प्लस ये पास में भी रहता है, तो ऐसा हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। यूजुअली तो यहाँ की पार्किंग हमेशा ही फुल रहती है बट आज हमें टाइम पर मिल गई। एंड सबसे पहले हम आ गए फॉसिल में क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ बैग एंड वॉचेस पिक करने थे, और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि उन्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। एंड रास्ते में आते हुए ना समर सो गया था तो मेरे लिए अच्छा ही है, वो अभी स्ट्रॉलर में सो रहा है तो मैं आराम से शॉपिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा ही इधर उधर छूता रहता है तो मैं कुछ ख़रीद भी नहीं पाती हूँ। एंड टुडे आई एम फ्री, मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है और यहाँ पर मुझे मिरर मिल गया है तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट भी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस स्टोर में, हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक कराए। आप लोग ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है ना तो आपने देखा ही होगा, और अगर आपने नहीं किया है सो डू फॉलो मी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अकाउंट है ram_1006, वहाँ पे मैं क्विक अपडेट ले आती हूँ, सो आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भी सारे अपडेट मिल ही जाएंगे। और बहुत ही देर के बाद, इतने सारे ग्लासेस ट्राई करने के बाद, फाइनली ये वाला शेड मुझे अच्छा लगा एंड मैं ये वाला फाइनल कर रही हूँ। हस्बैंड से भी पूछा, उनको भी अच्छा लगा, सो वी चोज दिस वन।
एंड आफ्टर दैट मुझे MK जाना था, वहाँ से मुझे एक बैकपैक लेना है क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं. सो ट्रैवल के लिए बेस्ट रहता है. एंड देन हियर वी गो. मैं दूसरे गेट से जा रही थी जहाँ पे एंट्री नहीं थी. सो माई हस्बैंड टोल्ड कि दिस इज़ अ रॉन्ग डोर. एंड उसके बाद हम सभी लोग अंदर चले गए. और आज मुझे ना आउटलेट में अच्छा लगा. यूजुअली अगर आप शॉपिंग करने आओगे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है. मे बी आज इतने ज़्यादा डील नहीं थे इसलिए यहाँ पर रश भी नहीं है. दिस इज़ गुड. Right? Yeah. इसका कलर मुझे अच्छा लगा. एंड फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे जिप हैं. तो अभी हम जो ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं, ऐसे सब ट्रैवल के लिए इस तरह के बैग अच्छे रहते हैं विद टू किड्स. सो आई थिंक ये डाइपर बैग और मेरे हैंड बैग दोनों का ही काम करने वाला है. एमके का ये जो कलर है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. बहुत डार्क में हो जाता है. आई लाइक समथिंग लाइट. सो आई थिंक आई विल टेक दिस वन. लेट्स सी. और भी देखती हूँ मैं. हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं. सो शामी गॉट टायर. यू ओके? चलो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, फिर विल गो होम. ओके, ये गिव मी हाई फाइव. एंड आफ्टर दैट वी केम टू ASICS. यहाँ से हमें शूज़ लेने थे, रनिंग शूज़. पहले हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट उसका साइज़ कुछ सही नहीं था. सो वी रिटर्न दैट एंड यहाँ से हमने फिर से लिया है. स्टोर में आके लेने का अपना ही एक फ़ायदा है. आप ट्राई करके लोगे तो बार बार रिटर्न नहीं करना पड़ता है. सो गाइज, अभी हमारी शॉपिंग डन हो गई है एंड नाउ वी आर गोइंग होम. काफ़ी लेट हो गया, आप लोग देख सकते हैं, डार्क भी हो गया है. 3 घंटे हो गए. आउटलेट आओ ना तो हमेशा ही ऐसा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाने में. सो चलिए चलते हैं. और बहुत ज़्यादा ठंड है, घर में जाके गरम गरम अदरक वाली चाय पियेंगे ना तो अच्छा लगेगा. सो लेट्स गो. गुड इवनिंग गाइज, अभी हम लोग घर आ गए हैं और सबसे पहले मैंने चाय बने रख दिए. एंड उसी के साथ मैंने सोचा आप लोग के साथ एक अनबॉक्सिंग शेयर करती हूँ. रिसेंटली मैंने ये समर के लिए एक डिनर सेट मंगाया था, ये काफ़ी अच्छा है. सो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको ओपन करती हूँ. और इसका जो मटेरियल है ना वो रिसाइकल्ड है. सो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें काफ़ी सारे पीसेज हैं. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आउटलेट से आने के बाद हम लोग ने अपना स्नैक कर लिया है और इतनी ठंड लग रही थी ना, चाय पिया तो अब जाके थोड़ा सा वार्म लग रहा है. अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी आज आउटलेट में. और आउटलेट जैसी जगह में ना इतना खुला रहता है कि ठंड लगती ही ज़्यादा है. सो चाय पी के अभी अच्छा लग रहा है और अभी मैं अपने काम फिर से मैंने शुरू कर दिए हैं. ये जो काम होते हैं ना, ये नेवर एंडिंग होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते. कुछ ना कुछ काम हमेशा ही रहता है. और ये जो मेरा क्रिसमस ट्री है ना, इसको हटाने में मुझे इस बार काफ़ी टाइम लग गया है. अभी ऑलमोस्ट जैन एंड होने वाला है और अभी भी मेरा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है. सो मैंने सोचा कि चलो आज इसे भी हटा देते हैं ताकि ये स्पेस खाली हो जाएगा. और जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं जो समर ने नहीं निकाले, जो मेरे बच गए हैं ना, उन्हें मैं रख दूंगी. नेक्स्ट ईयर मैं फिर यूज़ करने वाली हूँ. तो इस तरह से ज़िपलॉक में मैं अच्छी तरह से सेफ्टी रख दूंगी ताकि नेक्स्ट ईयर जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे ईजिली मिल जाए. और ये सारे मेरे काम हैं. एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए और फिर शामी को मुझे थोड़ा होमवर्क भी कराना है. और इस तरह से हमारा डे एंड हो जाएगा. एंड आप लोगों को जैसे मुझे बताना था ना कि हम लोग किस लिए शॉपिंग कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो गाइज, हम लोग ना इंडिया जाने वाले हैं. यस गाइज, फाइनली हम लोग इंडिया जा रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. और इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ. इतने साल हो गए, 3 ईयर्स से मैं किसी से नहीं मिली. अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, भाई से नहीं मिली, एंड हस्बैंड के पेरेंट्स से नहीं मिली, इसको सभी लोगों से नहीं मिली. इन शॉर्ट तो सबसे मिलने का एक्साइटमेंट है इतने सालों के बाद. एंड समर तो अभी तक इंडिया नहीं गया, उसका ये फर्स्ट टाइम है. तो अभी तक समर को किसी ने देखा भी नहीं है. सो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और फन होने वाला है. एंड समर का कुछ कुछ फंक्शन है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दौड़ है ना इंडिया में भी. हम लोग थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं कितने ब्लॉग लेकर आ पाऊँगी वो सब है. बट आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नए नए ब्लॉग लेकर आऊँ इंडिया से तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए एंड कोई भी ब्लॉग मिस ना हो. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल. एंड आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ. एंड बहुत सारे काम है ना इंडिया जाने से पहले. एंड तो मैंने सोचा कि आज मैं ये क्रिसमस ट्री हटा देती हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ काम हम फिनिश करेंगे. आज शॉपिंग करने में इसीलिए गई थी, होता ना एंड मोमेंट कुछ ना कुछ शॉपिंग रही जाती है. सो उसी के लिए लास्ट मोमेंट शॉपिंग मैं करने गई थी. और अभी भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आई एम श्योर. ये नेवर एंडिंग रहता है, लास्ट डे तक मेरा रहता ही है कुछ ना कुछ.
तो करती रहूंगी, जब तक नहीं जाते हैं तब तक टाइम तो है ही हमारे पास एंड पैकिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा आज क्रिसमस ट्री अपना वाइंड अप कर देती हूँ, ये स्पेस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बैग वगैरह रख सकते हैं। वैसे भी समर ने आधे से ज्यादा ऑर्नामेंट तो ऐसे ही फेंक दिए हैं, तो जो बच गए उनको मैं सेफली रख दूंगी ताकि नेक्स्ट क्रिसमस में मैं उन्हें रीयूज कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं और आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये डे वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।